हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सब स्वस्थ मस्त घर में होंगे और सेफ होंगे। यहाँ पर ये सैंडविच बनाया है मेरे छोटे वाले बेटे ने, जो कि पनीर का बनाया है, सादा बनाया है बिल्कुल, तो वही आपके साथ शेयर किया है। नाश्ते में यही बनाया था आज और बेटे ने ही बनाया था। यहाँ लस्सी बना रही हूँ मैं, तो दही को मैंने मथ लिया है और काजू की टुकड़ी डाल रही हूँ इसमें कट करके। आप बादाम भी डाल सकते हो, किशमिश भी डाल सकते हो, बट स्वामी जी को किशमिश पसंद नहीं है इसमें, मैंने नहीं डाला। और मैं जल्दी में भी थी, डाल भी देती हूँ वैसे कभी कभी, लेकिन मैं जल्दी में थी तो मैंने नहीं डाला। यहाँ काजू ख़त्म हो गया था तो वही भर रही हूँ। यहाँ लस्सी बन गई और इसमें मैंने पिसी हुई चीनी यानी बूरा मिलाया था ताकि फटाफट लस्सी बन जाए। इधर स्वामी जी फ़ोन पे बात कर रहे थे और ये लस्सी मैंने दे दी है उनको, वो पी रहे हैं, वो देख रहे हैं मुझे। ये देखिए, पियो ना, लाइट की रोशनी कम होती है ना तब वो वीडियो नहीं बनवाते हैं, बोलते लाइट एक लाइट और जला तब मैं वीडियो बनाऊँ और तब मैं बनाने दूंगा वीडियो। और बस ये यहाँ पर वो नाश्ता करके चले गए थे, दही की लस्सी पी के गए थे आज वो, उनका मूड नहीं था फल फ्रूट खाने का, बिस्किट खाने का, जल्दी में भी थे वो, वो चले गए थे। इधर मेरी चाय बन रही है तो ये देखिए, ये भाप निकल रही है ना इसलिए थोड़ा धुंधला आ रहा है गाइज, ये देखिए धुंधला आ रहा है। चाय देख के किस किस के मुंह में पानी आ जाता है गाइज, मेरे मुंह में पानी आ जाता है, मैं चाय देख के किसी वीडियो में और फिर मैं चाय पीती हूँ। एक बार सुबह चाय पीती हूँ मैं और फिर शाम को 4 बजे चाय पीती हूँ, कभी 4:30-5 भी बज जाती है। तो ये देखिए चाय को बहुत उकालती हूँ मैं और पानी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, दूध में ही पत्ती डाल के उबाला लेती हूँ और फिर उसमें अदरक कूट के डालती हूँ, उबलने लग जाती है तब, ताकि चाय फटती नहीं है उससे। आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए गरम गरम। ये देखिए टोस्ट ले लिए मैंने दो, क्योंकि गाइस खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए। डॉक्टर वगैरह बोलते हैं कि खाली पेट चाय और कॉफ़ी नुकसानदायक होती है, तो बस मैं टोस्ट ले रही हूँ। कई लोग रात की ठंडी रोटी भी खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आधी रोटी भी ले सकते हो बस। और फिर ये खाने का टाइम है, अब मुझे जो है थाली सर्व करनी है और टिफ़िन पैक करना है और बस यहाँ मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो देखिए हमारी फूली फूली करारी करारी पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई। अब पूड़ी का भी क्या वीडियो डालना गाइस, कई बार डाल चुकी हूँ। और मैंने बनाई पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो सिंपल पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई जैसा हमेशा बनाती हूँ, तो ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि हमेशा ही करती हूँ शेयर, और सिंपल ही बनाई थी और बस कोई नए तरीके से नहीं बनाई थी, तो फिर मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, लास्ट में मैं जो है किसी से आपको मिलवाऊंगी, किसी की बातें आप सुनना। और बस वो मुझे बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लव यू सो मच। तो आप देखिएगा, दो जने हैं वो, दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो बस आप बने रहिए वीडियो में कि कौन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हमेशा जो है मधु को फ़ोन लगा, भाई मधु से बात करवा। तो बस आप भी मिल लीजिए। और जो ये देखें यहाँ पूड़ी अच्छे से दबा दबा के फुला रही हूँ मैं, और बस पूड़ी हो जाएगी। वीडियो को मैंने फास्ट नहीं करा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही वीडियो है तो मैंने फास्ट नहीं करा। गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का जो बेल बटन है ना वो वाला प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और ये मैं बताती जा रही हूँ कि फूली फूली पूड़ियाँ करारी करारी बन गई है, और अभी तो और बनानी है मुझे, नीचे लोहे पड़े हैं थाली में, तो बस यहाँ ये चार चार पूड़ियाँ डालती जा रही हूँ मैं, जैसे जैसे फूलती जा रही, करारी होती जा रही है, निकालती जा रही हूँ। तो बस ये हमारी पूड़ियाँ हो गई, और कढ़ी बनाऊंगी पकोड़े वाली, तो बस। और पत्ता गोभी की सब्जी है, दही या छाछ ले लेंगे। तो आज का हमारा जो खाना है वो यही है, आ जाइए आप भी खा लीजिए, खाना सर्व करके भी आपको थाली में बता दूंगी। तो बस ये पूड़ियाँ होती जा रही है हमारी, और जिसके बारे में बोल रही हूँ वो मुझे बहुत, ये देखिए एक जल गई है पर ये जली हुई नहीं है, ऐसी भी बहुत टेस्टी लगती है, मेरे बेटे को कोरी कोरी खा लेता है। यहाँ दही में मैंने हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर मिला दिया, हींग डाली है थोड़ी सी, और बस उसका बैटर बना लूँगी। और इधर छाछ में बेसन हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर डाल दिया है, और इसको अच्छे से हिला रही हूँ। और हींग और मेथी दाने का छौंक लगाऊंगी, आप इसमें प्याज कट करके भी डाल सकते हो,
और कड़ी पत्ते का छोंक भी लगा सकते हो। और बस ये एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है ना, तो हिल नहीं रहा है, ये देखिए। फिर भी कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। और बस ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ, तो ये गर्मा गर्म हमारी पकौड़ियाँ बनती जा रही है, ये देखिए। और ये देखिए सब बन गई। ये क्लिप क्या है, बाद में मैंने जोड़ी है, क्योंकि मैं भूल गई थी, पहले कड़ी वाली क्लिप मुझे जोड़नी थी, बट गलतियाँ हो जाती है गाइस, सॉरी। क्योंकि मैंने पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी, तभी कड़ी बना ली थी, तो बस पूड़ी का दिखा दिया बीच में मैंने। और ये हमारी पूड़ियाँ बन गई, पकौड़ियाँ। पकौड़ी का शेप साइज आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, और अच्छे से इसको अच्छे से सिकाई करते हैं ना गाइस, तभी अच्छी लगती है। मुझे तो कई जने कम सिकाई करके निकाल लेते हैं। और बस कड़ी का छोंक लगाएंगे इसके बाद में। आप अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब मैं चाय पी रही हूँ गाइस, सॉरी बीच में रुक गई थी। और आप मिलिएगा, बात करिएगा। आप कैसे बात करोगे, सॉरी, फ़ोन जो होता है ना गाइस, फ़ोन लगाया था और फिर बात करवाई थी, तो उसको क्या बोलते हैं गाइस, देखने वाला फ़ोन लगाते हैं। मुझे तो नहीं आता है गाइस फ़ोन, मेरे को इतना चलाना आता है, पर मेरे को फिर भी नहीं आता है फ़ोन लगाना और उठाना भी। छोटे वाले बेटे ने उठाया था फ़ोन, उठा के मुझे दिया था और उधर से लगाया था, तो बस वही सुनना आप। और ये यहाँ बातों में कड़ी का छोंक भी मैंने लगा दिया, रिफाइंड तेल में राई और मेथी दाना डाला है मैंने, और कड़ी डाल, ये छाछ में जो डाला था वो सब डाल दिया, और पकौड़ी डाल दूंगी एक उबाल आते ही। और इधर मैं आटा लगा रही हूँ, तो ये पूड़ी का आटा है, वो क्लिप आगे जुड़ गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो क्लिप आगे जुड़ गई, सॉरी गाइस। और बस ये देखिए, यहाँ पर अब उबाल आने से पहले मैं पकौड़ी डाल रही हूँ, और जितनी गाढ़ी रखनी हो कड़ी, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी मिला दीजिए। पतली गाढ़ी जैसी भी रखनी है रख सकते हैं। ये देखिए थोड़ी मेरी गाढ़ी है, अब गर्म पानी मिला दूंगी इसमें मैं। और इधर मैं पराठे बनाती जा रही हूँ, और पकौड़ी में अच्छे से उबाल आ रहा है, यानी खोल आ रहा है, और ये करारे करारे मेरे पराठे बनते जा रहे हैं, ये देखिए। क्योंकि हमारे घर में आधे जने पूड़ी खाते हैं, आधे जने रोटी ही खाना पसंद करते हैं, तो रोटी की जगह मैंने पराठे बना दिए। ये देखिए, तो थाली सर्व कर दी मैंने, और ये कड़ी है पकोड़े वाली, और दही दे दिया चीनी डाल के, पापा जी की थाली सर्व करिए, और पराठे हैं, पत्ता गोभी की सब्जी है, और छाछ है, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। और वैसे भी पूड़ी पापा जी से खवती भी नहीं है गाइस, उनके दांत नहीं है ना, इसलिए तो सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे फिर मैंने बना दिए। आ जाइए आप भी खा लीजिए, और अब आगे मैं वो क्लिप जोड़ूंगी, तो आप भी देख लीजिए। और बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और मैं बहुत प्यार करती हूँ, लव यू सो मच ऑलवेज। और दो जने दोनों से आप देखिए, वो दोनों जने नाना जी और मम्मी है मेरे, तो बस आप देखिए कि ये देखिए, थाली में मान नहीं रहा था तो मैंने मोड़ के पराठा रख दिया, क्योंकि बेटा फिर कैसे ले जाता थाली। तो देखिए, लव यू ऑलवेज नाना जी और मम्मी, और मेरे बेटे की वजह से जो है फोन में इस तरीके से क्लिप ले पाई। नाना जी सत्यराम, क्या कर रहे हो नाना जी? हाँ नाना जी सत्यराम, क्या कर रहे हो नाना जी? खाना खा के चुके हैं? आप दवाई खाओगे? खाना खा के चुके हैं अभी। अच्छा, गोली खाएंगे, दवाई डालेंगे, फिर सो जाएंगे। हाँ, आँखों में दो गोली खानी है अभी, नहीं एक ही। अच्छा, एक दिन में खा ली ना, बुलाएंगे सो जाएंगे, फिर और क्या करेंगे। हाँ, वो हनी कह रहा था, बोले नाना जी जल्दी सो जाते हैं। हाँ, दिखाई देता नहीं है, सुनाई देता नहीं है, कथा आती है जब तक देख लेते हैं, फिर बाहर बैठ जाते हैं घंटे भर सामने। आती दिन भर देखते हैं, दिन भर कथा तो देखते हैं दिन भर। हाँ, सुनते हैं बस, और खूब सुनते हैं, सुना आराम से। हाँ, आराम से सुनते हैं। आज तो नाना जी दिख गए मुझे, हनी ने वीडियो कॉल करके दिखा दिया मुझे नाना जी को। अच्छा, भी ना दिख रही हो।
ये लो मम्मी भी आ गई मेरी। हाँ अरे वाह, वीडियो कॉल करना मम्मी सीख लो, सीख लो वीडियो कॉल करना। मुझे तो नहीं आता, आप तो सीख लो। अच्छा क्या क्या खा रहा है हनी? भिंडी की सब्जी, भरवा और दही बड़े। अच्छा मजे आ रहे हैं उसके, नानी के हाथ के दही बड़े, भिंडी की सब्जी। बनाओगी? अच्छा और नाना जी ने क्या खाया? नाना जी के दलिया बनाया, अच्छा दलिया खाया। दूध दलिया खा लिया, वो है ना उससे क्या पेट भर जाता है और सुबह लेटरिन साफ आ जाती है, रोटी हाँ खत्म तो नहीं आती सुबह हाँ लेटरिन। हाँ चलो खाओ खाना आप। अच्छा ये सिखा रहा है आपको चलाना? दही बड़े कैसे हैं? देखा कहाँ है? कैमरे से ऐसे दिखा देना। अच्छा चलो, ये अच्छा सुबह जमाया हुआ है सुबह का।